नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, दीपावली आ रही है और जैसे ही दीपावली की आहट को हम सुनते हैं, दीपावली की आहट के साथ धनतेरस और धनतेरस के साथ बात आती है ज्वेलरी की। यद्यपि अभी का जो माहौल चल रहा है उसमें लोग ये कहते हैं कि ज्वेलरी की चमक फीकी पड़ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी ज्वेलरी की रौनक फिर भी बरकरार है। आज भी ज्वेलरी के लोग अपनी उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति कहती आई है। आज मैं आपको महानगर कोलकाता महानगर के एक विशेष नाम, ज्वेलरी के एक विशेष ब्रांड से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। कोलकाता महानगर का एक जाना पहचाना ब्रांड आर अग्रवाल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, और एक्सपोर्ट के साथ निर्यात के साथ जो कोलकाता महानगर में जिनके कई प्रतिष्ठान हैं। आइए आज हम उस शख्सियत से मिलाते हैं जो कोलकाता महानगर के इस ब्रांड का नेतृत्व करते हैं। मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं श्रीमान रतनलाल जी अग्रवाल। रतनलाल जी, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप ज्वेलरी ब्रांड से जुड़े हुए हैं और करीब 4 दशकों का आपका अनुभव है। करीब करीब 40 साल से आप इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि बंगाल में ये ज्वेलरी का जो एक टेस्ट है, ज्वेलरी की जो डिजाइन्स के लिए बंगाल प्रसिद्ध है जी, तो इंडिया और विदेश जी, उसमें ज्वेलरी की डिजाइन्स में कितना फर्क आप महसूस करते हैं? देखिए, ज्वेलरी का जो चलन है वो ज्यादातर भारतीय लोग ही ज्यादा पहनते हैं। विदेशों में तो ज्वेलरी बहुत हल्की फुल्की चलती है, वहां पर लोग जिस तरीके से कपड़े भी कम पहनते हैं, ज्वेलरी भी हल्की फुल्की पहनते हैं, लेकिन वो लोग सॉलिटर डायमंड के ऊपर में विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन इंडिया के रहने वाले जो भारतीय हैं, जो विदेश में जाके बस गए हैं, वो वहां पर आज भी दिवाली, होली या अपने तीज त्योहार मनाते हैं, तो वहां पर वो ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी को ही लाइक करते हैं। और यहां तक मैं कहता हूं कि वो लोग ज्वेलरी खरीदने के लिए इंडिया आते हैं, और इंडिया में भी कलकत्ता की बनी हुई ज्वेलरी को, पश्चिम बंगाल के कारीगरों की बनी हुई ज्वेलरी को इतना पसंद किया जाता है। अभी हम थोड़ी देर में आपको डिजाइन्स दिखाएंगे, लाजवाब डिजाइन है, बहुत ही लाइक किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कारीगरों की तकनीकी, पश्चिम बंगाल के कारीगरों की कारीगरी रतनलाल जी अग्रवाल बता रहे हैं कि किस तरह से विदेशों में भारतीय ज्वेलरी प्रसिद्ध है। जो लोग भारत के हैं और विदेश में रहते हैं, वो भारत की जो परंपरा है, भारत के जो पर्व है, उनको उसी रूप में मनाते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि जब वो भारत में आते हैं तो कोलकाता की ज्वेलरी को पसंद करके जाते हैं और उस ज्वेलरी को वो लेते हैं। फिर भी भारत की जो ज्वेलरी है उसमें मैं देख रहा हूं आपका ये व्यूवर्स देखिए, ये आर अग्रवाल की, मैं रतनलाल जी कुछ अपने डिजाइन्स भी दिखा रहे हैं। ये डायमंड, और सर ये डायमंड डायमंड के साथ में ये एमरल्ड लगे हुए, एमरल्ड लगे इसके अंदर में। हाँ जी, ये लगभग 40 लाख रुपए के आसपास का ये डायमंड का नेकलेस है। और हाँ, इसके साथ में ये देखिए, ये कान के ये झुमके हैं, बीच में ये रियल एमरल्ड लगे हुए हैं। हाँ, और हाँ, इस तरीके के सैकड़ों डिजाइन हमारे पास में है, मिल जाएंगे। ये डिजाइन देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार दीजिए मुझे, मैं अपने व्यूअर्स को बहुत अच्छे से दिखा दूं कि किस तरह की ज्वेलरी और किस तरह की कारीगरी, कि किस तरह से डायमंड और इमरल्ड का शानदार सामंजस्य ये ज्वेलर्स हमारे जो हैं और अपने कारीगर के साथ मिलकर के उनको जिस तरह से डिजाइन बना बताते हैं, और वो डिजाइन जब बन करके आती है, और ये साहब ये टेस्ट किस तरह का रहता है लाल जी? ये जो टेस्ट है, ये जो है ये कुंदन मीना का है। कुंदन इसके अंदर में आप देखिए कि ये जो है कुंदन के मीना किया हुआ है। ये देखिए स्टोन्स लगाए हुए हैं, लाल रंग का एक स्टोन लगा हुआ है। ये पूरा हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी है, 22 कैरेट के अंदर गोल्ड के अंदर में बना हुआ है। ये यहाँ बहुत ही ज्यादा लाइक किया जाता है और ये भारत से खूब निर्यात होता है। भारत से खूब निर्यात होता है, यानी जो लोग भारत के विदेश में रहते हैं, वे लोग विदेशी लोगों को भी भारतीय ज्वेलरी की तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित करते हैं। जी, जी, और वे विदेशी लोग वो चाहे कपड़े कम पहनते हों, लेकिन ज्वेलरी फिर भी वो पहनते हैं। दीपावली आ रही है रतनलाल जी, ये देखिए कि पिछले जो कुछ साल गए हैं और इस वर्ष का जो माहौल है, नोटबंदी, उसके बाद GST, आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार की जो ये प्रणाली और जो नई नियमावली आई है, उसका आपके ज्वेलरी उद्योग पर
क्या कोई प्रभाव पड़ा है? देखिए ज्वेलरी उद्योग के ऊपर में प्रभाव तो काफी पड़ा है, मतलब प्रभाव नहीं पड़ा है ऐसा बोलना गलत बात होगी। हाँ। लगभग अभी तक हम लोगों की 30% सेल डाउन हो चुकी है। जो हम लोग पिछले साल के तिमाही के अंदर में जो सेल किया था उसके बनिस्पत हम लोगों की 30% सेल डाउन हो गई है। और आगे आने वाले दिन हमको और भी अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन हमको ये विश्वास है, सरकार से हमारी बातचीत चल रही है, हमारे जो लीडर्स लोग हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, कल 6 तारीख को भी गवर्नमेंट के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात होने वाली है और उसमें कुछ ऐसा निर्णय होने वाले हैं जिससे ज्वेलरी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है ना इसमें, हमारे यहाँ पे कम से कम 2 करोड़ लोग ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर कारीगर हैं, शोरूम में काम करने वाले हैं, कारीगरों के परिवार हैं, जो क्या है, कई कारीगर तो इस तरीके के 6 महीना खेती करते हैं, 6 महीना ज्वेलरी व्यवसाय करते हैं। जब उसके अंदर में आज अगर ज्वेलरी व्यवसाय को कोई भी हानि पहुंचती है तो बेरोजगारी यहाँ पर और बढ़ेगी। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि ये जो PMI जो किया है, उन्होंने 50,000 रुपए के अंदर में कोई भी खरीदारी के ऊपर में पैन कार्ड या कोई भी अनिवार्य कर दिया, वो बहुत ही मतलब यहाँ नुकसानदायक है इस ज्वेलरी व्यवसाय के लिए। और बाकी तो ऐसे मान लीजिए जो भी ऑर्गेनाइज वे के अंदर में जो ज्वेलर्स हैं उन लोगों के व्यवसाय में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। अनऑर्गेनाइज वे में छोटे छोटे दुकानदार है, छोटे छोटे ज्वेलर है, उन लोगों को परेशानी थोड़ी ज्यादा हो रही है। ये रतनलाल जी बता रहे थे कि GST का नियम जिस तरह से लागू हुआ है उस तरह से छोटे व्यापारियों को, मध्यम व्यापारियों को जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, उनको कुछ दिक्कत हो रही है। ये हमने पहले भी लोगों से सुना है और यही हकीकत रतनलाल जी बोल रहे हैं। रतनलाल जी मुझे एक बात बताइए, विदेश में निर्यात ज्वेलरी का, भारतीय लोग ज्वेलरी पहनते हैं, विदेश में जब आप कोई निर्यात करते हैं तो आपके डिजाइंस कुछ कलेक्शन अलग रहता है, कुछ सोच अलग रहती है, उन लोगों की कुछ पसंद अलग रहती है? एक्चुअल के अंदर में कुछ मामूली सा जिस तरीके से उसमें बदलाव रहता है, बाकी तो वहाँ पे जो ज्वेलरी का काम करने वाले हैं वो अपने आप ही ज्वेलरी जो वहाँ पे चलने वाली है, यहाँ सैकड़ों डिजाइन रहते हैं, उसमें से सिलेक्ट करके ऑर्डर दे देते हैं या रेडी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, जो भी माहौल चल रहा है उसमें सोने की कीमतों में आपको क्या प्रभाव लग रहा है आने वाले दिनों में, गोल्ड की रेट? देखिए सोने का जो रेट के बारे में अगर आप पूछिएगा ना, तो ये इंटरनेशनल बिल्कुल माहौल के ऊपर में डिपेंड करता है। अभी पिछले दिनों के अंदर में जिस तरीके से सोने के 2,500-3,000 रुपए 10 ग्राम के दाम बढ़ गए थे और वो वापस 2,500-3,000 रुपए कम हो गए। एक्चुअल के अंदर में जो साउथ कोरिया और अमेरिका, चीन, जापान, ये सब का आपस के अंदर में लड़ाई झगड़े की बात चल रही थी, उससे लेके इफेक्ट किया था। फिर क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर में डॉलर की रेट के ऊपर में भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सोना ज्यादातर बाहर से ही आयात होता है, तो उसके अंदर में डॉलर की रेट जैसे ही बढ़ती है तो सोने की कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ जाती है, डॉलर की रेट कम होती है तो हमारे सोने की रेट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये इंटरनेशनल क्यूज के ऊपर में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मांग का क्या प्रभाव है कि कस्टमर का एक रुझान रहता है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है? एक्चुअल के अंदर में मांग का, डिमांड और सप्लाई का तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसका कारण ये है ना कि आज मांग जो है वो भारत में भी है तो चीन में भी है और भी कई कंट्रीज जो है जो सोने को प्रेफरेंस ज्यादा देती है, तो उसके अंदर में जैसे इंटरनेशनल डिमांड होती है उसी तरीके से यहाँ भी डिमांड होती है, उसी के ऊपर में रेट डिपेंड करते हैं। एक बात मैं और विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि भारतीयों की एक मानसिकता रहती है कि सोना खरीदते हैं इसलिए है कि ये सोना एक ऐसा उनके लिए एक एसेट है जिसे वो जब चाहे भुना सकते हैं, एक निवेश के रूप में सोना खरीदा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि वो जो मानसिकता है वो अब भी है कि लोगों के मन में कि सोना हमारे जीवन का आधार है, हम जब चाहे इसको भुना सकते हैं, जब कभी भी कोई आवश्यकता पड़े, तो जो पहले से जो लोग बचत के लिए सोने को खरीदते रहे थे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, सोने का जो निवेश करने का जो लोगों में परंपरा है, सोच है, पद्धति है, वो एकदम राइट है। कारण क्या है कि मैं आपको बताता हूं कि 19
71 के अंदर में सोने का भाव 225 रुपया 10 ग्राम था, ओनली 225 रुपया ग्राम, जो आज जाके आपको समझिए कि 25 से 30 हजार रुपया 10 ग्राम का दाम हो गया। तो आप सोचिए कि कितना मल्टीप्लाई हुआ है, विश्वसनीय निवेश, विश्वसनीय निवेश है। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि सोने का निवेश इस तरीके का निवेश है कि आज भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, जापान हो, कोई भी देश अपने यहाँ पे सोना रिजर्व में रखता है। जिस चीज को कंट्री खरीदती है, देश खरीदते हैं, वो चीज का दाम कम कैसे होगा, क्योंकि वो उतना रिजर्व में रख के उतना अपना यहाँ पे करेंसी छापते हैं। तो बिल्कुल ये तो इतना जबरदस्त निवेश का चीज है। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर में अभी पिछले 10 सालों से ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा जो फिजिकल डिफिसिट है, जो बजट घाटा है, वो सोने के इम्पोर्ट के कारण डिसबैलेंस हो रहा है। बिल्कुल उसके बिल्कुल लिए हमारी सरकार काफी चिंतित है कि इसको सोने के आयात को कम से कम कैसे किया जाए और लोगों को सोने के प्रति रुझान कम कैसे हो। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में लोग जो हैं, बहुत लोग फिजिकल सोना ही खरीदना पसंद करते हैं, फिजिकल ही रखना पसंद करते हैं। कारण क्या होता है कि देखिए, आज माँ बहन बेटियां सब लोग हैं, वो लोग अपने अंडर में रखते हैं, अपनी तिजोरी में रखती है, अपनी अलमारी में रखती है बहुत कि भाई शानदार बात है। हाँ वो जो चीज है, जी, वो जब उसकी इच्छा हो हाँ अपनी जी, बेटी को देती है, जब उसकी इच्छा हो वो अपनी बहू को बहू को देती देती है, है। जब इच्छा हो जिसको इच्छा हो तब देती है। तो ये एक नारी शक्ति के लिए, एक उनके हाथ में बहुत बड़ी शक्ति ये है। शक्ति है, नारी के लिए सोना शक्ति है, सोना तो सोना है सर, ये बिल्कुल सही बात है। गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, और ये कहावत चरितार्थ होती है। रतनलाल जी ने बहुत शानदार तरीके से भारतीय परंपरा और भारतीय नारी के मन में सोने के प्रति आसक्ति के भाव को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। ये सच है कि सोने के आयात से भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और सरकार उस पर लगाम लगाने की सोचती है। सोने के प्रति लोगों के मन को थोड़ा सा इधर उधर करने का भी प्रयास रहता है, लेकिन फिर भी ये मन है कि मानता नहीं। तो दोस्तों, दिवाली पर आपकी ये आज हमने आपसे एक महानगर के सुप्रसिद्ध ज्वेलर्स आर अग्रवाल ज्वेलर्स के श्रीमान रतनलाल जी अग्रवाल से आपसे हमने एक मुलाकात करवाई। मुझे विश्वास है कि सोने और ज्वेलरी के साथ जो हमारी बातचीत हुई, वो बातचीत आपको निश्चित रूप से बहुत पसंद आई होगी और आपको भी लगा होगा कि सोने में निवेश क्यों करना चाहिए। जैसा कि बता रहे थे कि 1972-74 में 225 रुपये 10 ग्राम का सोना अगर आज 25,000-30,000 के बीच में अगर आ जाता है, तो इसका अर्थ आप ये समझिए कि ये कितना बड़ा विश्वसनीय निवेश है। और आज के हालात में भी आप क्या ये बता सकते हैं, कह सकते हैं कि आज के हालात में भी सोने पर निवेश किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। सोने के दाम आने वाले दिनों में, मैं ये तो नहीं कहूंगा 2-4-6 महीने में ही, आने वाले दिनों के अंदर में 10 से 20% पक्के बढ़ जाएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सोने की खरीदारी में हमेशा ही समझदारी है। वाह, अच्छा स्लोगन एक ज्वेलर्स के मुंह से सुन रहे हैं कि सोने की खरीदारी में बड़ी समझदारी है। तो व्यूवर्स ध्यान रखिएगा, दीपावली और धनतेरस की हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। और रतनलाल जी अग्रवाल, जो कि आर अग्रवाल ज्वेलर्स, जो कि प्रतिष्ठित नाम, हमने उनसे वक्त लिया और आप लोगों के लिए ज्वेलरी से संबंधित आवश्यक जानकारियां पहुंचाने के लिए वक्त लिया था, और हमें खुशी है कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत आभार रतनलाल जी। दिवाली पे और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बिल्कुल, आप सबकी शुभकामनाओं के साथ, और आप ये देखिए एक हल्की सी झलक आर अग्रवाल ज्वेलर्स की, मैं आपको एक हल्की सी झलक आपको दिखा रहा हूं। ये हल्की सी झलक महानगर का प्रतिष्ठित नाम, और इस झलक के साथ दोस्तों अब विदा लेने का वक्त। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरे विचार, ये साक्षात्कार आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपके कोई विचार सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में शुभकामनाओं के साथ।